नसीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। और बड़ी कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतृत्वकर्ता श्रीमान राकेश जी भाई साहब को आमंत्रित मैं करता हूँ आज से अभी। आज ये जो पूर्ण तिथि के मौके पर भट्टू भैया जी की पूर्ण तिथि, उसके मौके पर ये जो कार्यक्रम है, इसकी क्या रूपरेखा थी और क्या उद्देश्य था? आज स्वर्गीय रजू भैया जी की पूर्ण तिथि पे ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और ये जो हमारा स्वदेशी जागरण मंच आप ये देख रहे होंगे, इसमें क्या बोलते हैं, ये जो मंच है इसमें जो युवाओं के लिए स्वरोजगार की जो गवर्नमेंट की जो ढेर सारी जो उनकी स्कीम्स आती हैं, जो युवाओं के लिए रोजगार के लिए जो स्कीम्स आती हैं, ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं और हम लोगों की का ये संगठन जो है उस पर काम करने जा रहा है कि हम उन तक इसको पहुँचाएँ भी और के सामने जो दिक्कतें हैं हम उन दिक्कतों को भी दूर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नए होते हैं और वो इन चीज़ों को समझते नहीं, उन बातों को स्कीम्स को समझ नहीं पाते हैं, तो उनको गाइड करना हमारा काम है और उनके सामने सारी दिक्कतों को दूर करना हमारा काम है। सर, ये जो रोजगार सृजन केंद्र है इसकी क्या कार्यप्रणाली और किस तरीके से इसको आप लागू कर रहे हैं? ये संगठन है ये पूरा, ये और ये संगठन युवाओं के साथ जाकर के जुड़ेगा और युवाओं को यहाँ पर लेकर के आएगा और उनको यहाँ से मार्गदर्शन दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा संगठन इसमें काम करेगा। आज हमारे देश में हमारे शहर में लोगों को किस तरीके से रज्जू भैया के कारण आने पे उनके चरित्र के अनुसार चलने की जरूरत है? आज रज्जू भैया एक सादगी के उदाहरण और बड़ी सोच के उदाहरण और उनके बताए हुए मार्ग पे हमको मंथन करके हमें चलना है। ये प्रेरणा हमको उनसे जो मिली है, हम आगे आने वाली जनरेशन तक हम इस बात को पहुंचाना चाहते हैं जी। आज पूर्ण तिथि भी है रज्जू भैया जी की और आज एक चंद्रयान का भी एक बहुत सफल प्रक्षेपण नासा के द्वारा किया गया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भाग्य है और चंद्रयान की आज क्या बोलते हैं उसकी लॉन्चिंग हुई है जी। और ये जरूर विकास की ओर हमारा देश बढ़ रहा है और आज फ्रांस में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका वहाँ पर स्वागत हो रहा है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी आज वर्ल्ड मैप में भारत को लेकर के आ रहे हैं, ये उनकी मेहनत है और देश हमारा आगे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमको ऐसा नेता मिला हुआ है। माननीय रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह के इलाहाबाद विश्वविद्यालय भौतिक विभाग के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सर संचालक रहे। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनका छात्र भी रहा हूँ और राजनीति में भी उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त रहा है। वो बहुत ही सादगी से उनका जीवन था और वो देखा जाए देश के अंदर हजारों लोग उनके बनाए हुए कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं। उनका जीवन सभी हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज हम लोगों ने यहाँ पर आज उनकी पुण्यतिथि मनाई है और वास्तव में देखा हम लोगों ने उनको स्मरण किया और सब हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि रज्जू भैया
जिस तरह से सादगी से रहते थे और राष्ट्र के लिए उनका जीवन समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, ये उनका वो जो संदेश था उसको हम लोगों ने दिया। और आज यहाँ पर हमारे विद्युत अग्रही जी ने यहाँ पर एक स्वरोजगार कार्यालय भी जिले का खोला है, इसके माध्यम से जो रज्जू भैया चाहते थे युवाओं को प्रेरित किया जाए, युवा आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़े हों, हमेशा उन्होंने प्रेरणा दी, इसलिए यहाँ पर स्वरोजगार कार्यालय खोला जाएगा। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, जो भी उनको मदद हो सकेगी इस कार्यालय के माध्यम से। स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से कार्यालय खुला है, हम समझते हैं विद्युत अग्रही और ये मंच दोनों उसमें मिलकर के काम करेगा, ये हम समझते हैं बहुत बड़ी श्रद्धांजलि बने रज्जू भैया के प्रति होगी। आज पूर्ण तिथि के मौके पर ये रोजगार, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों की इच्छा है कि देश के अंदर युवाओं को रोजगार मिले। देखिए सरकारी नौकरी तो इतनी है नहीं जो मिल सके, देखिए इसीलिए केंद्र सरकार ने स्किल डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट मिला है, जिनके अगर युवाओं के अंदर कोई स्किल है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको आर्थिक मदद की जा रही है, जिसके माध्यम से ट्रेनिंग प्राप्त करके वो स्वरोजगार उत्पन्न करें। तो ये जो केंद्र खोला गया है तो उनके अंदर जो पोटेंशियल है उनको गाइड किया जाएगा, उसको जो भी मदद हो सकेगी इस कार्यालय के माध्यम से दी जाएगी। इसीलिए आज रज्जू भैया की पुण्यतिथि पर एक ऐसे अवसर पर इस कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ।